पृष्ठ संख्या 54, अध्याय 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। शिक्षक के लिए निर्देश। विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, यद्यपि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। लेकिन इस अध्याय में अत्यंत सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं विदेश निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नजर डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं, अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आकलनों की बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखें कि उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक हैं। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने तथा नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों, जैसा कि खंड 2 के अंत में दिया गया है, का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। अगले विषय पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात कर लें। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें से 3 कारकों पर बल दिया गया है: प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है और आप उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र भारत की उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था से अपरिचित हैं। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों की तुलना एवं विषमता दिखाने के लिए नाटक का आयोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार WTO के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां और शक्ति का असमान संतुलन रोचक विषय हैं, जिनको व्याख्यान की बजाय चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। अंतिम खंड में वैश्वीकरण के प्रभावों को शामिल किया गया है। विकास प्रक्रिया में वैश्वीकरण ने किस सीमा तक योगदान किया है? इस खंड में अध्याय 1 एवं 2 जैसे न्यायसंगत विकास लक्ष्य क्या हैं के विषय भी ध्यान में रखे गए हैं, जिसका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण से क्रियाकलापों और उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे उन संदर्भों को शामिल किया जा सकेगा जिन्हें इस अध्याय में नहीं रखा गया है, जैसे स्थानीय किसानों पर आयातों का प्रभाव इत्यादि। ऐसी स्थितियों की विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। सूचना के स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी वेबसाइट www.ilo.org पर न्यायसंगत वैश्वीकरण की अपील की है।
ऐसी अपीलें अन्य संगठनों ने भी की हैं। एक अन्य रोचक स्रोत WTO की वेबसाइट http://www.wto.org है। यह WTO में किए जा रहे अनेक प्रकार के समझौतों की जानकारी देता है। कंपनियों से संबंधित जानकारियों के लिए अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी वेबसाइट है। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आलोचनात्मक ढंग से देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमोदित वेबसाइट www.corporatewatch.org.uk है।